बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर एक्टिविस्ट वर्कर्स ख्वातीन व हज़रात, मेरा नाम उमर अय्यूब खान है और मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने कायद और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से, पार्टी चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से और बहसीत चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से आपको दिल की अथक गहराइयों से आपका पहले तो शुक्रिया भी अदा करता हूं और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन हालात में आप ख्वातीन और हजरात ने मुकाबला किया इन सारी पार्टीज का और सुरखरू हुए और इस लेवल पे हम लोग आ गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग मरकज में दो ताई अक्सरियत लेके हुकूमत बनाने के काबिल बन चुके हैं और सूबों में भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। ख्वातीन हज़रात, मैं आपको इसलिए भी क्रेडिट देना चाहता हूं कि हमसे हमारा बल्ला छीन लिया गया, पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, हमारे कायद को पाबंद सलासल जेल में डाला गया, हम लीडरशिप के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, साथियों के ऊपर, हमारे नुमाइंदों के ऊपर, आपके उम्मीदवारान के ऊपर, सारों पे मल्टीपल केसेस, मुतद्दद केसेस, संगीन केसेस लगाए गए, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने बाहर निकल के वोट डाला। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं आईएलएफ को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं विमेन विंग को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं अपने लेबर विंग को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं माइनॉरिटीज़ विंग को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं आईएसएफ को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं यूथ विंग को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मैं सारी विंग्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा, और बिलखसूस मैं अपनी ब्लॉक कोड लेवल तंजीमें जो हमने हाथों से बनाई, सारों ने ब्लॉक कोड लेवल तंजीमें, यूनियन काउंसिल लेवल तंजीमें, विलेज काउंसिल लेवल तंजीमें, तहसील की तंजीमें, आपकी ज़िले की तंजीमें, आपकी डिविजनल तंजीमें, आपके सूबों की तंजीमें, हर एक तंजीम जिसको हमने बनाया और एक फाल पार्टी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह रब के हुक्म से और रब की मर्जी के साथ और अपने कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान साहब के एकामात और उनके गाइडेंस के तहत, मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। और ये वो रीढ़ की हड्डी है ख्वातीन हज़रात जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। 3 करोड़ से ज्यादा तकरीबन इस वक्त के एस्टिमेट्स आ रहे हैं ख्वातीन हज़रात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। बाकी पार्टियां आप देख लें जो कि फिरौनियत की दावे करती थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फलानी पार्टी, किधर गए? घास की तरह हवा में उड़ गए। उनकी कितनी सीटें आईं, उनके लीडर जो हैं वो हार गए। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो इस वक्त रिटर्निंग अफसरों के दफातर में जो रिजल्ट को चेंज किया जा रहा है, इसको हम लोग सख्ती से इसको रिजेक्ट करते हैं और हम लोग रिटर्निंग अफसरस को वार्निंग देते हैं कि ये किसी किस्म से भी हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई रिटर्निंग अफसरान ने तो इस्तीफे अपने दे दिए हैं और हम लोग बाकियों से भी डिमांड करेंगे कि आपने अपनी कब्र में जाना है, ये अवाम की अमानत है, इस अवाम की अमानत में खुदारा किसी किस्म की खयानत नहीं होनी चाहिए, वरना रब भी आपसे आखिरत में पूछेगा कि आपने क्या सही फैसला किया या नहीं किया। और मैं ये भी कहता चलूं कि जहां पे हमारे पोलिंग एजेंट्स के पास फॉर्म 45 हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को फिल 4 पहुंचाएं,
कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ, एप्लीकेशंस दें, हाई कोर्ट में दें, हर जगह पे दें कि उस प्रोसेस को रोकें जहां पे आप मुतासर हुए हैं और जाली रिजल्ट आपके खिलाफ उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने या शाया किया है। ये अभी हतमी रिजल्ट नहीं है, हाथ पैर बैठ के या पैनिक में आके या प्रेशर में आके ना बैठिएगा, हाथ पैर मारिएगा। आपका हक है, कानूनी चार्ज, कानूनी अमल इस्तेमाल करें, वकला को लेके इलेक्शन कमीशन जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, पीछे नहीं हटना। हमारे कप्तान ने, हमारे चेयरमैन ने, हमारे वजीर आजम ने यही हमें सिखाया है, आखिरी गेंद तक हमने लड़ते रहना है और इंशाअल्लाह ताला रब हमारे साथ है, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है। मैं एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्लॉक कोर्ट तंजीमों से लेके ऊपर की सत्ता तक की सूबाई तंजीमों तक जितने ऑफिस बेयरर्स हैं उनको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेयरर्स को आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बहसियत चीफ ऑर्गेनाइजर, और मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। आप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फख्र, अल्लाह ताला हमेशा आपको अब्दे हिफ्ज़ो मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया।